Shalom everyone, you're watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. Program Masih Se Mulaqat mein aap sabhi ko welcome kehti hoon. Azizo, aaj jo humare saath guest maujood hain, wo mere bade hi aziz hain. Saath hi saath, aapne unko Faith TV par hum program bhi host karte dekha hoga. Ye mere bade hi aziz saathi bhi hain, teammate hain. Pastor Binyamin Rocky, जो कि आज की मुलाकात में मसीह का पैगाम जो है वो आज हमारे साथ इस नए साल के ताल्लुक से शेयर करेंगे. अजीजों, नए साल के हवाले से तो हमने बहुत सारे मैसेजेस सुने होंगे और ज़्यादातर ये है कि हमें एक साल बख्शा जाता है. लेकिन मैंने जब पास्टर रॉकी को इनवाइट किया तो उन्होंने मुझे एक नए पैगाम के हवाले से बताया और मैं भी अभी इस पैगाम से नावाकिफ हूँ. तो चलिए मिलकर सीखेंगे आज इस नए साल के नए पैगाम के हवाले से. तो जी पास्टर साहब, थैंक यू सुमिता, गॉड ब्लेस यू. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ प्रोग्राम करने में. मैं एक दिली खुशी महसूस कर रहा हूँ और यकीनन ये खुशी इसलिए है कि आप पे टीवी पर बड़ी जान पहचानी से काम करती हैं और हम सब पे टीवी का हिस्सा हैं. और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले रेवरेंड सिसिल जॉन बरकत का कि जिनकी वजह से हमें ये सहूलत मैसर आई कि हम पे टीवी के ज़रिए से खुदा के कलाम की बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. और इस प्रोग्राम का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, मसीह से मुलाकात. और आज हम नए साल के तलक से बात करेंगे. आए मेरे साथ निकालें खुदा उनके जिंदा कलाम में से यूहन्ना रफ़का मुकाशफा और उसका 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे. कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा ओ इंतहा हो. खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले. सब बोले आमीन. आज समझ हम जब अपने मुझे एक टॉपिक फ्रॉम किया कि नए साल के तल्लक से बात हो, तो बिल्कुल नए तौर पर ही खुदा के पाक रूने मेरे साथ बात की और मैंने इस चीज़ को फोकस किया कि क्योंकि हम एक हवाला तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि इस दरख्त को एक साल और रहने दे, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना. तो ये हवाला तो हम चर्चिज में सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, लेकिन खुदा ने फिर नए तौर पर मेरे साथ बात की. मैं अल्फा और ओमेगा, यानी मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साल का शुरू हो या साल का एंड हो, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है. और मैं आपके गोश गुजार ये बात करना चाहता हूँ कि चाहे आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट है या आपकी ज़िंदगी का एंड है, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है. अब हर बात को हमने इस तौर पर समझना है कि साल का शुरू है या साल का एंड है. और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब 31 दिसंबर होती है तो हम सब कोई तकरीबन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जब नए साल की आमद होती है, हम पुराने साल में भी खुदा की इबादत करते हैं और नए साल में भी खुदा की इबादत करते हैं. आमीन. यानी साल का एंड और साल का शुरू. हम दुआओं के साथ दाखिल होते हैं. और ये बात काबिले गौर है कि हर वो शख्स, हाँ कुछ लोग हैं जो घरों में सोए रहते हैं, चर्च नहीं जाते, और हम अपने पेरेंट्स से सुनते होते थे कि जी नए साल में काम करना ज़रूरी है, नए साल में इबादत करना ज़रूरी है और नए साल में खुदा को याद करना ज़रूरी है. और हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अगर आप साल के शुरू में इबादत करेंगे तो पूरा साल ही इबादत करेंगे. तो ये चीज़ें ऑनवर्ड सबके जहनों में मौजूद हैं. लेकिन एक बात याद रखें कि साल का शुरू है या साल का एंड है, वो हमारे साथ है. हालेलुया. यानी चाहे आप साल का एंड कर रहे हैं या आपके साल का शुरू हो रहा है, खुदा आपके साथ है और खुदा है जो अजीम खुदा है. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो हमारे साथ रहता है. उस साल के एंड में भी हमारे साथ था और पूरा साल उसने हमें संभाला. और आप जानते हैं कि पिछले साल में बहुत ज़्यादा कोरोना वबा ने काम किया, बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ गए, चले गए, लेकिन
क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारा खुदा है और उसने हमें महफूज रखा है। खुदा की कलाम में लिखा है तेरे आसपास 10,000 गिर जाएंगे लेकिन तुझे जर ना पहुँचेगा। तो देखें किस कदर वो मुश्किल हालात में भी हमें संभालता है। और साल के पूरे दिन यानी एक एक दिन में वो एक एक पल में हमारी क्या करता है, हिफाजत करता है और हमें हमेशा अपने परों की पनाह में लेता है। और गौर करें कि मैंने इस बात को सीखा है कि वो साल ब साल हमारे साथ रहता है और जितनी भी हमारी एज है वो हमारे साथ है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, और कई दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि जी वो इस साल को देखना चाहता था लेकिन नहीं देख पाया। तो इससे क्या मुराद है? इससे हमें इस बात को सीखना है कि जितना भी किसी का टाइम मुकर्रर है वो मुकर्रा ज़िंदगी बसर करता है और फिर लौट जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। इससे हमें परेशान नहीं होना। और साल के शुरू में वो जो हमारे साथ है वो साल के वस्त में भी हमारे साथ होगा, उस साल के एंड पर भी हमारे साथ होगा, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं ही तेरा शुरू और मैं ही तेरा आखिर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो जब हम पैदा हुए वो हमारे साथ था, वो हमारा बनाने वाला है और जब एंड होगा फिर भी वो हमारे साथ ही होगा। मैं क्या हूँ, अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ। जब कायनात नहीं बनी थी, जब कुछ भी नहीं बना था, वो मौजूद था और फिर उसने कायनात को बनाया और फिर वो आखिर तक भी हमारे साथ है। इसलिए मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी बात में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहूँगा कि वो क्या है, अल्फा है, वो ओमेगा है और वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। जब दुनिया की कोई चीज़ नहीं बनी थी वो मौजूद था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो मौजूद होगा, क्योंकि वो हमारा खुदा है। और आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, समझते ये बात बड़ी काबिल गौर है। कई दफ़ा हम समझते हैं कि वो किसी पल भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हर पल हमारे साथ है क्योंकि वो हमारा खुदा है। और खुदा अपनी कायनात से प्यार करता है, खुदा हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो क्या है, अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो अव्वल है, वो आखिर है। किसी बात में भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लास्ट ईयर हमारे साथ था तो वो इस साल भी हमारे साथ है। ये कॉन्फिडेंस हमारे पास मौजूद होना चाहिए कि वो हमारा खुदा है और वो हमारा बाप है। ये वो बाप है जो कहता है मैं हरगिज़ तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तो आज हमारे लिए ये बात बड़ी पावरफुल है कि हम उसको अल्फा और ओमेगा के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें। और ये बात हमारे लिए तकवीत का बायस होगी कि जब वो अव्वल और आखिर है तो वो हर पल हमारे साथ है। आज बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं, पिछले साल मुझे कामयाबी नहीं मिली, पिछले साल ये हुआ। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाता है, उसके साथ रहता है, तो उसी तरह मेरा और आपका खुदा जो है वो हमारे साथ है, क्योंकि वो क्या है, अव्वल है, वो क्या है, आखिर है। और मैं तो बहुत मुतमिन एक ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। वो किस वजह से, मुझे परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ वो है और मेरा तवक्कल उस पर है। बिल्कुल। और मैं उसकी आंखें सैर करती फिरती हैं कि देखे कि कौन उसका तालिब। आमीन आमीन। क्योंकि देखिए शायद हम तो अपने बच्चों को अपनी निगाहों में हर वक्त नहीं रख सकते, लेकिन वो खुदा है। वो क्या है, वो खुदा है और उसकी आंखें दुनिया की सैर करती हैं, अपने लोगों को देखती रहती हैं। तो देखिए इससे बढ़कर सेफ्टी क्या होगी कि वो क्या है, वो हमारा खुदा है और वो हर पल जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो क्या है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। और मैं कई दफ़ा बहुत इस बात पर गौर करता हूँ कि किस कदर वो खूबसूरत
ताकत और कुव्वत का मालिक है, किस कदर प्यारी उसकी शख्सियत है। मेरा खुदा कितना प्यारा है कि वो सब कुछ का बनाने वाला है और हमें कभी वो तनहा नहीं छोड़ता, हमसे प्यार करता है। तो गौर करें कि अगर आप उसको अल्फा और ओमेगा के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, चाहे साल का शुरू हो चाहे साल का एंड हो, वो हमारे साथ है और कदम ब कदम वो हमारी रहनुमाई करता है। पूरा साल चलने में वो हमारी रहनुमाई करता चला जाता है। और जब कभी हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने आप को हम किसी भी काम करने के काबिल नहीं समझते हैं, तो वो जो अल्फा और ओमेगा है, वो जो इब्तिदा और इंतहा है, वो हमारे साथ खड़ा होता है। तो बस सब गुज़िश्ता साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया और उनके माली हालात भी जो है वो ख़राब हुए। तो लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद अगर लोग खुदा की तरफ रागिब नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि कलाम में लिखा कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरा डर कहाँ है और अगर मैं उस्ताद हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? तो लोगों ने अगर उसके बावजूद भी, हमारी सारी परेशानियों के बाद भी, उसको नहीं अपनाया या उस ज़िंदगी में अपनी अहमियत खुदा को नहीं दी है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी किस राह पर चल रही है? कुछ इस बारे में भी इस हवाले से ऐड करते जाए ताकि वो लोग जो अभी भी इस साल पिछले साल की नाउमीदियों को लेकर के बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागे कि खुदावंद वाकई ही अव्वल और आखिर है और वो तब भी उनके साथ था और आज भी उनके साथ है। नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समंता ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि पिछले साल लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख भी उठाया, परेशान भी रहे, अपनों को खो दिया और वो कायम रहने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए, जो जिसके तलक से बाइबल मुकद्दस खुदा का जो जिंदा कलाम है वो बयान करता है कि वो अव्वल और आखिर है। और अगर हम खुदा से दूर ज़िंदगी बसर करेंगे, समझता हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि आपने किस चीज़ को फोकस किया। आज ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने परेशानियों को फोकस किया हुआ है जी। और बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है और मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली भी अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि आप सबसे ज़्यादा जिक्र किसका करते हैं। मैंने लोगों को देखा है वो हर काम में अबलीस का जिक्र करते रहते हैं, अबलीस का जिक्र करते रहते हैं, अबलीस ने ये कर दिया, अबलीस ने वो कर दिया। वो कभी उसको फोकस नहीं करते जो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। बात समझ रहे? यानी आपका फोकस किस चीज़ पर है? आपका फोकस परेशानियाँ हैं, आपका फोकस अबलीस है, आपका फोकस दुनिया है या क्या है? लेकिन वो जिसके तलक से खुदा का जिंदा और लारेब कलाम जो जिंदगियों को तब्दील करके रख देता है, हमने उस खुदा को जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है, उसको फोकस करना है। आज मैंने देखा है लोग दुआएं भी करते हैं लेकिन हर वक्त उनके जो जुबान पर जिक्र होता है वो अबलीस की होता है कि जी अबलीस बड़ा ताकतवर है, अबलीस बड़ा ताकतवर है। और आप जानते नहीं हैं कि आप जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि वो बड़ा ताकतवर है, वो ताकतवर बनता जा रहा है। ताकतवर अबलीस नहीं है, ताकतवर मेरा और आपका यहोवा खुदा है, वो जिसके तलक से कलाम खुदा बयान करता है कि वो अव्वल और आखिर है। उससे बड़ी हैसियत क्या होगी? बिल्कुल, इसी के साथ मुझे एक हवाला भी मिला, मैं जी जरूर उसे पढ़ना। दूसरे करंथियों में से उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। अब ए भाइयों, हम तो खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। आमें। तो पसब हमारे मुल्क में भी बड़ी सख्त गरीबी आई है और काल पड़ा और लोगों को बहुत सारा जो है आटे पानी राशन का बोरान उठाना पड़ा। अब वो भी कलीसिया ही थी, मकदूनिया की कलीसिया की बात हो रही है और हमारे यहाँ भी चर्चेज में कलीसियाओं पर ही बहुत सारा जो है बोझ टूटा, बहुत सारे क्राइसिस आए, बहुत से लोगों की जॉब्स छूट गई, लेकिन यहाँ वो कलीसिया किसके ऊपर फिर भी नज़र कर रही है? बड़ी खुशी की तरफ। और हमारी बड़ी खुशी क्या? हमारा
जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, वही अव्वल और वही आखिर। हम अपनी मुसीबत में किसको पुकारते हैं ये जाहिर करता है कि हमारी ज़िंदगी में अहमियत किसकी है। कि अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभार जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सबसे पहले दर्द में जिसका नाम लेंगे वही आपकी ज़िंदगी में जो है रिफ्लेक्ट करेगा कि वो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो क्या होता है कि अगर कोई मतलब बाइकर्स हैं ज़्यादा तो वो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ, तो सबसे पहले अपने कोई बड़े करीबी दोस्त को फ़ोन करेंगे। यानी आप अगर किसी मुश्किलात में होते हैं तो आप अपना मसले का हल जो है एक इंसान को ही बता रहे हैं और वो उस वक्त वहाँ पहुँच भी नहीं पाता शायद। लेकिन मैं एक रियल वाक्या करूँगी शेयर के, एक बार एक एक्सीडेंट होने वाला था तो एकदम से मतलब दिल में तो बोला खुदा, तो लेकिन साथ ही मम्मा भी बैठी हुई थी तो उन्होंने जैसे ही बोला ना है खुदाबंद, तो वो रिक्शा वापस हमारा जो है सेटल हो गया, वो दोनों दो रिक्शे आपस में टकराने लगे थे जी। तो ऐसे भी मतलब आप दर्द में जिसको पुकारते हैं ना वही आपको उस वक्त बचाता है आपकी परेशानियों में। हमारा फोकस कहाँ है? अभी खुदा के खादम बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि परेशानियों में तो हम सभी जाते हैं, क्योंकि जब तक हम बदन के वतन में हैं परेशानियां ख़त्म नहीं होने वाली। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी नहीं होगी, और वो है आसमान। जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आ करके हमें आसमान पर ले जाएगा तो ये सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप ये ना समझे कि अगर आप मसीहत में आ जाते हैं तो सारी तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बहुत से खादमीन जो हैं वो जब किसी गैर अकवाम को या किसी नई कलीसिया को रागिब करते हैं तौबा की तरफ, बपतिस्मा की तरफ, तो वो कहते हैं कि आपके जी तौबा करें, बपतिस्मा लें तो सारी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, आप करके तो देखें। लेकिन इस तरह के सब्ज बाग दिखाना मेरी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सुमंता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में ना खादमों ने लोगों को खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है कि जी या ये बड़ी मसीही जो ज़िंदगी है ये बड़ी आरामदार ज़िंदगी है। लेकिन मैंने ये सीखा है कि ये दुखों की ज़िंदगी है, ये कांटों भरी ज़िंदगी है। इसमें आपको कदम ब कदम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो जो अव्वल और आखिर है वो आपको संभालता है। असल में मैं अभी आप जिक्र कर रहे थे कि भूख और नंग का सामना करना पड़ा लोगों को, लेकिन वहाँ पर मैं चैनल्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, चर्चेस को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कलीसिया के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है और उनकी खुराक का बंदोबस्त किया, और जिस हद तक भी वो कर सकते थे उन्होंने इस बात को मुनासिब जाना कि वो काम करें। तो फिर मैं कहता हूँ आज बहुत सारे लोग परेशान हैं लेकिन वो कलाम पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ हो सकता है आपके पास कई माह से जॉब ना हो सकता है आपका जो घर है वो परेशानियों का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन एक बात याद रखें वो जो अव्वल और आखिर है, वो जो इब्तिदा और इंतहा है, वो हमेशा आपके साथ, वो आपकी मदद कर रहा है। शायद आपके पूरे घर में कोई जॉब पे नहीं है लेकिन खुदा आपको दे रहा है, तो वही है जो अव्वल और आखिर है, वो काबिल भरोसा है, उस पर भरोसा करें और कभी भी फिक्रमंद ना हुआ करें, बल्कि आप क्या किया करें आप उस अल्फा और ओमेगा पर, वो जो साल के एंड में आपके साथ है और अभी साल के शुरू में आपके साथ है। मैं एक बड़ी खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, समझते इससे मुझे बड़ी बरकत मिली। मैंने एक फॉरेन लेडीज से कहा कि अब मेरी कुछ हेल्प करें, मेरी हेल्प करें, मेरे चर्च की हेल्प करें। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरा क्या करते हो, कौन सा आप मेरा काम करते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ। तो मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया कि ये मुझे कैसे जवाब दे रही है। वो बुज़ुर्ग खतून है, दुआगो है और ख़ुदा से बड़ा प्यार करती है। तो उसने मुझसे कहा कि पास्टर आप जिसका आप काम करते हो ना उसको बोलो वो आपकी हेल्प करे। तो ये बात मेरे दिल को लगी, बहुत खूबसूरत बात थी कि जब मैं कहता हूँ मैं खुदा का खादम हूँ तो फिर मैं इंसानों की तरफ क्यों देखता हूँ। तो मैंने साल के शुरू में ये सीखा कि मैंने खुदा पर तवक्कुल करना है। आमीन।
और देखें वही मेरी मदद कर सकता है जिसके तलक से खुदा के कलाम ने मुझे सिखाया है कि मैं क्या हूँ। मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा हूँ, मैं इंतहा हूँ। और देखिए जब कुछ नज़र नहीं आता तो वो जो अव्वल और आखिर है वो हमारे साथ खड़ा होता है। मैं यूँ कहूँगा कि वो जब आपने सफ़र का आगाज़ किया, ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो वो जो अव्वल है वो आपके साथ है। और अगर हमारी ज़िंदगी का एंड हो रहा है, हम सफ़र के एंड पर हैं, तो तब भी वो हमारे साथ है। और ये बात मुझे तकवीय देती है कि उसने शुरू में भी वो मेरे साथ खड़ा है और एंड पर भी मेरे साथ खड़ा है और पूरे ज़िंदगी के सफ़र में वो मेरे साथ है। आज हमें खुदा पर भरोसा करना है, आज हमें खुदा पर ईमान लाना है कि वो क्या है, वो अव्वल और आखिर है। अगर आप चाहते हैं साल का हर दिन आपका खुदावन में गुजरे, तो फिर उसको अव्वल भी मानना पड़ेगा, आखिर भी मानना पड़ेगा। इब्तिदा वो है, इंतहा वो है। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो हमारी निजात का सींग है, वो सरतापा पाकीज़गी है, वो जानों का लंगर है, वो यस्सी के तने की कौंपल है, वो हमारा रहबर है, रहनुमा है, वो जो सबसे ज़्यादा शान का मालिक है, वो जो आलमी दो जहाँ है, वो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और अगर मैं उसके तलक से ये बयान करना चाहूँ कि उसके ऑनर में अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहूँ, तो शायद अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी शान अकदस में हम बढ़ते चले जाएंगे और उसको बयान करते जाएंगे और अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसके तलक से बहुत कुछ बयान करती है। और वो ज़िंदा है, वो जलाली है, वो अबदी है, वो कायनात का खालिक और मालिक है, वो मंबा रुस्त हदायत है, वो वजह तख्लीक कायनात है। देखिए गौर करें, इसीलिए तो वो कहता है कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ, क्योंकि वो दुनिया का बनाने वाला है। तो जब वो दुनिया का बनाने वाला है, तो फिर हमें किसी भी बात में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको मानना पड़ेगा, दिल की गहराइयों से मानना पड़ेगा कि वो क्या है, वो अव्वल और आखिर है। अगर आप खुदा को इस तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी बाइस बरकत है। आपने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। मैंने तो जाना है कि वो ज़िंदगी के शुरू में भी मेरे साथ है, उसी ने मुझे ज़िंदगी दी है। वो कहता है कि जब तू माँ के पेट में बन रहा था, तो मैं उस वक्त से तुझे जानता। यानी किस कदर ये गहरी बात है कि जब हमारा वजूद भी नहीं था, वो हमें जानता है, और हमारा वजूद देने वाला वो है जो अव्वल और आखिर है। क्यों परेशान होते हैं? ये कोई बात नहीं है, नया साल है तो कोई बात नहीं है, नए साल में भी वो आपके साथ है, पुराना साल वो आपके साथ रहा है, इस नए साल में भी वो आपके साथ है। लेकिन एक बात है, वो हमसे चाहता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करें, हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत उससे करें। और मैंने एक बात सीखी, एक के 50 दिनार मुआफ़ हुए और एक का 500 दिनार मुआफ़ हुआ, तो वहाँ पर लिखा है कि कौन उससे ज़्यादा मोहब्बत दिखाएगा, तो लिखा है कि वो जिसका ज़्यादा मुआफ़ हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार था, मेरा ज़्यादा मुआफ़ हुआ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्यार अपने उस खुदा से करता हूँ जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो इब्तिदा है, जो इंतहा है, जो अव्वल और आखिर है। उसको पहचाने तो सही, उसको देखें तो सही कि वो आपके साथ खड़ा है। और जब वो हमारी तरफ है, तो कौन हमारा मुखालिफ है? हम और ज़्यादा बरकत पा सकते हैं। ये साल आपके लिए, जहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये साल आपके लिए बरकात को समेटने का भी साल है, और ये साल आपका खुदा में बढ़ने का भी साल है। जिस कदर आप उससे मोहब्बत दिखाएंगे, वो आप पर रहम करता जाएगा, वो आपको बरकत देता चला जाएगा। और उसके हाथ कितने प्यारे हैं, जो हर तरह की वबा में हमें महफूज रखते हैं, जो हर साल में हमें महफूज रखते हैं, चाहे साल का एंड हो, चाहे साल का शुरू हो। जी स्मिथ जी, पास साहब बहुत शुक्रिया आज के नए साल के इस उम्दा कलाम के लिए जो खुदावन के वसीला आपके ज़रिए हमने सुना। तो अजीज़ो, आज के इस कलाम से यकीनन आपने बहुत बरकत पाई है, और जाना है कि साल का आखिर हो या शुरू,
खुदावंद ही खुदा है जो अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है। इसी के साथ अगली आयत भी पढ़ती चलूंगी। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। आमीन। तो अजीजों, जब इस नए साल में इस मैसेज के साथ अव्वल और आखिर हम खुदावंद ही को मानेंगे, अपने मसीह यीशु को जो हमारे लिए निजात बनकर के दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाहों को धोया और हमें सफ़ेद जामे पहनाए और हमारे करिमजी गुनाहों को बर्फ़ की मानद सफ़ेद कर दिया, तो आए इस नए साल में अपने जामों को धोएं ताकि उस दरवाज़ा से जो मसीह यीशु है उसमें से दाखिल होकर उस शहर में दाखिल हो जाएं जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है। हमारे आने वाले नए मैसेजेस को भी आप देख सकते हैं फेथ टीवी से सरबरकत पर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।